राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि ईवीएम बैलेट पेपर तथा 2019 के लोकसभा चुनाव के संबंध में आपको काफी बार इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इतने ज्ञापन देने के बाद भी सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसी को लेकर आज फिर एक ज्ञापन डीएम मुरादाबाद को सौंपा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें ईवीएम के माध्यम से भयंकर धांधली करके जनमत के विरुद्ध लूट तंत्र के द्वारा तथाकथित रूप से भारी जीत हासिल करते हैं, जिसको लेकर चुनावी नतीजों से देश की जनता सकते में है और पूरी तरह से हैरान और परेशान। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बीएम सिंह है, मैं अम्बेडकर महामहिम कमेटी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। जी, आज हम यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए संबोधित है। देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, उस प्रक्रिया के विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि चुनाव में जो ईवीएम जो सरकार है, फिलहाल वो ईवीएम सरकार है, उसे किसी भी उसकी जरूरत नहीं है जनता के वोट की। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इस देश के अंदर ईवीएम को बिल्कुल खत्म किया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, और अगर ईवीएम से चुनाव कराया जाए तो वीवीपैट से मिलान किया जाए। वीवीपैट से चुनाव मिलान को कहा गया था कि हर क्षेत्र में पांच क्षेत्र, हर जगह पर विधानसभा में, सांसदीय क्षेत्र में पांच जगह के ईवीएम का उससे वीवीपैट से मिलान किया कराया जाए, जो डिमांड शुरू में थी, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं की गई और इसमें इसे बाद में किया गया, और बाद में सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि बेईमानी करनी थी। बाद में चुनाव होने के बाद जब डिक्लेयर हो जाता है प्रत्याशी तो कोई क्या मांग करते हैं हम? हमारी मांग है ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही खत्म हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो।